बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अब्दुर्रहमान। आज मैं बात करूंगा इंडेक्सिंग की टाइप्स पे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, फिल्टर इंडेक्स, एक्सएमएल इंडेक्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स, स्पार्शल इंडेक्स, कॉलम स्टोर इंडेक्स, इंडेक्स विद इंक्लूडेड कॉलम्स, इंडेक्स ऑन कंप्यूटेड कॉलम्स। तो इन सारे इंडेक्सिंग की जो मेन जो टाइप्स है ना, वो क्लस्टर और नॉन क्लस्टर है। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग। तो इसका हम जो स्टार्ट लेंगे वो क्लस्टर इंडेक्स से लेंगे। इसकी फर्स्ट टाइप को हम डिटेल में देखेंगे। सो व्हाट इज क्लस्टर इंडेक्सिंग? अ क्लस्टर इंडेक्स डिटरमाइंस द फिजिकल ऑर्डर ऑफ डाटा इन अ टेबल। फॉर दिस रीजन अ टेबल कैन हैव ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स। जो हमारे पास क्लस्टर इंडेक्स है उसका फिजिकल इंपैक्ट आता है। लास्ट टाइम हमने जब स्टडी किया था, हमने कहा था इंडेक्सिंग टेबल पे अप्लाई होती है और न्यू टेबल क्रिएट होता है और वो टेबल हम देख नहीं पा रहे होते। लेकिन क्लस्टर इंडेक्सिंग में जो इंपैक्ट होता है हम टेबल में देख पाते हैं। इसका हमारे पास सामने इसका इंपैक्ट नजर आ रहा होता है, किस तरह ये ऑर्डर कर रहा है। क्लस्टर और नॉन क्लस्टर, नेम क्लस्टर को हम जैसे उर्दू में कहते हैं कि गुच्छा, ग्रुप, कि ऐसी चीज जिसका इफेक्ट पूरे ग्रुप पे आए, पूरे टेबल पे आए। अब ग्रुप हमारे पास क्या है? टेबल है, ठीक है। अगर हमारे पास, हम इसको मैं साथ साथ इंप्लीमेंट करता हूं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान हो। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग में बहुत सारी टर्म्स यूज करता जाऊंगा, तो आपने कोशिश करनी कि अपने पास एक रजिस्टर रख लें और या कोई भी फोल्डर रख लें और उस पर राइट करते जाएं पॉइंट्स को, ठीक है जी। जैसे कि टेबल प्रोडक्ट, मेरे पास एक टेबल है। अगर मैं जाता हूं इसकी डिजाइन में, ठीक है, तो ये इसका सिंपल डिजाइन आपने देख लिया। राइट क्लिक किया, मैं एडिट टॉप 200 रोज में जा रहा हूं। आपने देखा कि यहां पे प्रोडक्ट आईडी आ रही, क्वांटिटी आ रही, प्राइस आ रही, प्रोडक्ट नेम है। इसके डिजाइन में मैंने आपको दिखाया कहीं कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं थी, कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं थी। तो अगर हम प्रोडक्ट आईडी पे क्लस्टर इंडेक्सिंग सेट करते हैं तो आपको पता है जिस भी कॉलम पे इंडेक्सिंग सेट की जाती है तो इंडेक्सिंग उसको ऑर्डर में कर देता है। इस वक्त ये प्रोडक्ट आईडी क्या है? अनऑर्डर है, ठीक है। इस पे जैसे ही हम क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे तो ये कॉलम ऑर्डर में हमें दिखाई भी देगा। लास्ट टाइम हमें दिखाई नहीं दे पा रहा था, वो क्योंकि हम नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने इंडेक्सिंग को सीखा और मैंने जिस एग्जाम्पल को मैं लेके चला था वो नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग थी। आज हम सीख रहे हैं क्लस्टर इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है, प्रोडक्ट आईडी कॉलम इज मार्क्ड एज प्राइमरी की। अगर हम इसे प्राइमरी की लगा देते हैं, इस वक्त ये प्राइमरी की कॉलम नहीं है। प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली इफ नो क्लस्टर इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द टेबल। अगर इस टेबल पे कोई क्लस्टर इंडेक्स नहीं, हम सिंपल यहां पर राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की करेंगे, प्राइमरी की भी लग जाएगी, क्लस्टर इंडेक्सिंग भी हो जाएगी, बात खत्म। कोई मुश्किल नहीं, कोई सिंटैक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको सेट प्राइमरी की करता हूं तो क्या होगा कि इसकी वैल्यूज भी ऑर्डर में आ जाएंगी और इस पे क्लस्टर इंडेक्सिंग भी अप्लाई हो जाएगी। तो क्लस्टर इंडेक्सिंग इस कॉलम पे क्या करती थी, उसके कॉलम्स को ऑर्डर में ले आती थी, ठीक है। अगर आप इस तरह प्राइमरी के थ्रू नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप क्यूरी के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो इसकी क्यूरी मैं आपको राइट करके दिखा देता हूं। दोनों तरीकों से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने सिंटैक्स लिखा था क्लस्टर इंडेक्सिंग का, सेम वही सिंटैक्स है, सिर्फ माइनर सा चेंज है कि लास्ट टाइम हम इंडेक्स साथ में लिख नहीं रहे थे, इंडेक्स का कीवर्ड साथ में मेंशन नहीं कर रहे थे, इस दफा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सिंपल लिखा क्रिएट और इंडेक्स और उसके बाद हमने यहाँ पे जो इंडेक्स का नेम खुद से मेंशन करते हैं वो मेंशन किया, ठीक है। जैसे कि हमारा है ये टीवीएल प्रोडक्ट, ठीक है, किस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं,
प्रोडक्ट आईडी में, ठीक है आईडी, ठीक है प्रोडक्ट आईडी पे अप्लाई कर रहे हैं ऑन किस टेबल पे, यहां पे हम टेबल का प्रॉपर नेम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या मेंशन करते थे, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, ठीक है कॉलम का नेम है प्रोडक्ट आईडी, उसको अगेन हम देख भी लेते हैं क्या यही मैंने मेंशन किया यहां पे, जी यही है। साथ में क्या किया हमने, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। अब इसमें चेंज क्या है, क्लस्टर इंडेक्सिंग के लिए आपको क्रिएट के फौरन बाद क्लस्टर लिखना पड़ता है, क्लस्टर्ड वर्ड है क्लस्टर्ड, बस इतना सा काम था। अब ये क्या करेगा कि यहां पे प्रोडक्ट आईडी पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाएगी, पर इसका ये मतलब नहीं किस पे प्राइमरी की भी सेट हो जाएगी, प्राइमरी की हमने खुद सेट करनी है, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूं, मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट में, तो क्या वाकई इसका इंपैक्ट आया या नहीं, जी बिल्कुल इंपैक्ट आ गया। प्रोडक्ट आईडी देखिए ऑर्डर में आ गई, पहले क्या थी ऑर्डर में नहीं थी, ये अभी मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया इसलिए दिखा रहा है, प्रीवियस उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है, अब ये ऑर्डर में आ गई और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड आया। देखें यहां पे वन के अगेंस्ट क्या है फैन, तो यहां पे वन के अगेंस्ट क्या है फैन, ठीक है। यहां पे टू के अगेंस्ट क्या था एसी, और यहां पे टू के अगेंस्ट क्या है एसी, मींस के सिर्फ कॉलम की वैल्यूज को ही ऑर्डर में नहीं लेके आ रहा बल्कि उसके अकॉर्डिंग जो उसके प्रोडक्ट नेम थे उसने वो भी साथ में दिखाए, और ऐसे ही होना चाहिए था। यहां पे एक चीज समझने वाली है, लास्ट हमने कहा था कि आप इंडेक्सिंग को एक टेबल के मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसी बात को कुछ इस तरह याद कर लें कि एक टेबल के मल्टीपल कॉलम्स पे हम जो इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं उसको नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग कहते हैं, क्लियर। उस मद में क्या होता है कि जिस कॉलम पे आप इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं उसका सेपरेट टेबल बनता है जो हम नहीं देख पा रहे होते। अब बात करते हैं क्लस्टर इंडेक्सिंग की, क्लस्टर इंडेक्सिंग का कोई सेपरेट टेबल नहीं बनता, ये पूरे टेबल में एक ही कॉलम पे अप्लाई होती है और उसी पे इसका इफेक्ट आ रहा होता है, समझ आई। अगर क्लस्टर इंडेक्सिंग हम एट ए टाइम प्रोडक्ट आईडी पे भी अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट नेम पे भी अप्लाई कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर फर्स्ट गने पॉसिबल होता तो इसका रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आ सकता था। अगर प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर में है, इस पे जब मैं लगाऊंगा क्लस्टर इंडेक्सिंग तो ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए की आईडी क्या है टू, टू ऊपर चला जाएगा तो प्रोडक्ट आईडी की जो सॉर्टिंग है वो खराब हो जाएगी, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका जो इंपैक्ट है क्लस्टर इंडेक्सिंग का डायरेक्टली टेबल पे आ रहा होता है, और एक टेबल में एक ही कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग आप मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करने का आपने वे देखा, या तो आप जब टेबल को डिजाइन कर रहे हैं तो जिस पे आप प्राइमरी की सेट करते हैं बाय डिफॉल्ट उस पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाती है, लेकिन उस क्लस्टर इंडेक्सिंग को आप रिमूव कर सकते हैं करना चाहें, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है प्रोडक्ट आईडी पे ही क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करनी थी, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो प्रोडक्ट नेम पे अप्लाई कर दें, लेकिन एट अ टाइम आप एक ही कॉलम पे करेंगे, प्रोडक्ट नेम पे करेंगे तो क्लस्टर इंडेक्सिंग प्रोडक्ट आईडी से रिमूव हो जाएगी। यहां पे क्वेश्चन आता है कि जब हम प्राइमरी की सेट करते हैं तो उस पे ऑटोमेटिकली क्यों क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाती है, उसका सिंपल आंसर ये है कि हम प्राइमरी की बनाते हैं किस कॉलम को है जिसने बार बार सर्च होना होता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग किसके लिए अप्लाई करते हैं, बार बार सर्च करने के लिए, तो इसलिए उसके साथ बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाती है, ठीक है। क्लस्टर इंडेक्सिंग को देखने के लिए आप क्या करते होते हैं, आपके पास एक कमांड है एसपी हेल्प डेस्क हेल्प इंडेक्स, और साथ में आप टेबल का नेम मेंशन कर देते हैं जो कि हमारा टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो हमें पता चल रहा है कि यहां पे ये प्रोडक्ट आईडी है, इस पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हो गई है। कैसे ड्रॉप करते हैं, इसको कैसे रिमूव करते हैं, वो लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया था, ठीक है। वो अगेन मैं रिपीट भी कर देता हूं कि आप लिखते हैं पहले ड्रॉप इंडेक्स, ठीक है, और आगे टेबल का नेम, ठीक है, और उसके फौरन बाद दौड़ लगा के आपने जो इस इंडेक्स का नेम है वो राइट किया होता है वो राइट कर देते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग का यहां पर डिफरेंस देखा। इसके डिफरेंस पे मैं कुछ मजीद आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो गेट का हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन की बात आ जाए
तो आपने उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, ये डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए। देखिए जरा, पहले मैं नॉन क्लस्टर के बारे में बताता हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन क्लस्टर की, तो यहां पे एक एमएस जिसका मैंने लास्ट टाइम भी तज़किरा किया था, तो ये क्या करता है, ये सेपरेट टेबल बनाता है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स सेपरेट टेबल बनाता है, ठीक है, सेपरेट टेबल बनाता है, ठीक है। साथ में ये रो एड्रेस क्या होता है, ये पॉइंटर होता है। पॉइंटर किसका, जो मेन टेबल है उसके उसके रिमेनिंग रिकॉर्ड का पॉइंटर होता है, ये बेसिकली पॉइंटर है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इसका रेफरेंस कह लें, पॉइंटर कह लें, ये एक ही मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। तो जबकि क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होता है कि आपके मल्टीपल टेबल नहीं बनते, एक ही टेबल बनता है। क्लस्टर इंडेक्सिंग जो हम अप्लाई करते हैं एक टेबल में एक कॉलम पे, और नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग एक टेबल के मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग को मजीद देखें, द डेटा स्टोर इन वन प्लेस द इंडेक्स इन अनदर प्लेस, इसमें क्या होता है, डेटा आपका स्टोर, ठीक है, एक प्लेस पे होता है लेकिन इंडेक्स किसी दूसरी प्लेस पे होता है। द इंडेक्स विल हैव पॉइंटर टू द स्टोरी लोकेशन ऑफ द डेटा। अब यहां पे ये क्या है, पॉइंटर्स, ठीक है, ये पॉइंटर्स है यहां पे किसके लिए, स्टोरेज लोकेशन के लिए, किस डेटा की स्टोरेज लोकेशन के लिए। सिंस द नॉन क्लस्टर इंडेक्स इज स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द एक्चुअल डेटा, हम मेन टेबल को एक्चुअल डेटा कह रहे हैं, नॉन क्लस्टर हेड स्टोर करता है वैल्यूज को सेपरेटली, ठीक है, एक्चुअल डेटा से सेपरेट इसको स्टोर करता है। टेबल्स कैन हैव मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स, हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हो अ बुक कैन हैव एन इंडेक्स बाय चैप्टर एट द बिगनिंग एंड द अनदर इंडेक्स बाय कॉमन टर्म्स एट द एंड। हमारे टेबल के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे शुरू में हमने एग्जांपल ली थी कि बुक के स्टार्ट में इंडेक्स होता है, कुछ बुक्स के एंड पे भी इंडेक्सिंग होती है, कुछ बुक्स में मल्टीपल इंडेक्सिंग होती है कि स्टार्ट में भी इसकी इंडेक्सिंग आ रही है और लास्ट में भी कुछ टर्म्स ऐसे यूज हो रही होती है जो पूरी बुक की टर्म्स होती है, उनको लास्ट में उसकी एक्सरसाइज लिखी होती है या पॉइंट आउट किया होता है, ठीक है। तो आपने इसके कंपैरिजन को समझा। इसके अलावा एक चीज डिस्कस करने वाली है क्लस्टर इंडेक्सिंग के हवाले से। आप क्लस्टर इंडेक्सिंग को, ये थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज है, थोड़ी सी फोकस करने वाली चीज है कि मैंने अभी बात की थी कि क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल के एक कॉलम पे अप्लाई करते हैं, ओके, दो पे करेंगे तो मसला हो जाएगा, उस बात को आपने समझ लिया था कि अगर मैं इस टेबल के एक कॉलम पे करता हूं यानी कि प्रोडक्ट आईडी पे, तो ऑर्डर बाय हो जाएगी और इसके गेस ही सारा रिकॉर्ड ऑर्डर बाय हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा क्लस्टर इंडेक्सिंग, तो इसके इंपैक्ट से प्रोडक्ट आईडी की वैल्यूज रैंडम हो जाएंगी ना। तो मैंने कहा था दो कॉलम्स पे आप नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन लॉजिकली कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिनमें आप दो कॉलम्स पे भी क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, क्या आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप एक कॉलम को ऑर्डर में करेंगे, जब दूसरे को ऑर्डर करेंगे, पहले वाला तो उसकी जो असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी उसकी सॉर्टिंग है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, अगर एक कॉलम है नेम्स का और एक कॉलम है जेंडर का, ठीक है, तो पर्सन नेम और जेंडर को मिला के क्लस्टर इंडेक्स सेट किया जा सकता है। कैसे? कि जेंडर में मेल, सारे पहले मेल आए और मेल के लिहाज से उनकी सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ रही हो, फिर उसके बाद फीमेल्स आए, फिर फीमेल्स के लिहाज से उनकी सैलरी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही हो, ठीक है। देखिए जरा, अगर मैंने इसको आपको सिंपल मैंने समझाना हो, पर मैं चाहता था आप ये खुद अप्लाई करें इसको, ताकि आपको इस चीज की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि ये तो ऐसे भी पॉसिबल है कि आप दो कॉलम्स पे भी क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। मैं इसको आपको दो टेबल्स ओपन करके आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप इसे खुद अप्लाई करें।
जी, जैसे कि हमारे पास ये मेंबर्स का टेबल है, ठीक है, ओके। यहां पे मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेंबर्स। अब ये देखें, ये सैल्यूटेशन आईडी 11 मतलब था मेल, और 2 का मीन क्या था? फीमेल। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे पहले सब मेल्स आ रहे हो, फिर फीमेल्स आ रही हो, और मेल्स वाइज नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो, फिर फीमेल वाइज नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट। अब क्योंकि ये टेबल ऐसा है जिसपे मैंने प्राइमरी की सेट की हुई है, तो प्राइमरी की जब सेट होती है तो क्या होता है, उस पे क्लस्टर इंडेक्सिंग भी अप्लाई हो जाती है। चेक करने का क्या वे होता है हमारे पास, एसपी हेल्प इंडेक्स, और फिर हम क्या करते हैं टेबल का नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखे ना यहां पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हुई हुई है किसके ऊपर, मेंबर आईडी पे। ठीक है, इसको ड्रॉप करने का क्या वे होगा, हम लिखेंगे ड्रॉप इंडेक्स और आगे टेबल का नेम जो क्या है मेंबर्स, साथ में डॉट लगा के इंडेक्स नेम हम मेंशन कर देते हैं, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्यों नहीं करा, इंडेक्स नॉट अलाउड ऑन दिस दिस दिस, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर प्राइमरी की। कहता कि आपको फिर प्राइमरी की भी हटाना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिजाइन के वक्त हम लगा चुके थे। बहरहाल इसमें आपने क्या करना है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं या फिर मैं यहां पे एक और टेबल क्रिएट कर देता हूं सीएल में, इसी यहां पे ही। ओके, ये मैंने टेबल क्रिएट किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। टेबल्स में हम गए, यहां से टीबीएल प्रोडक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल टीबीएल प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, हम यहां पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे आ रही हो क्वांटिटी को कंपैरिजन करवा देते हैं प्राइस के साथ, ये भी पॉसिबल है। खैर, जैसे हम कहते हैं कि सिलेक्ट सॉरी मैं इंडेक्सिंग अप्लाई करता हूं, क्रिएट ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स नेम क्या हमारा, हमने लिखा आई एक्स टीबीएल प्रोडक्ट, कौन से कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम पे और किस पे, या ऐसे प्रोडक्ट नेम की बजाय अगर प्राइस और क्वांटिटी भी कर लें तब भी एक लॉजिकल चीज बन जाएगी हमारे पास, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, ऑन यहां पे हम लिखेंगे टेबल का नेम जो कि है टीबीएल प्रोडक्ट, और इसमें हम बताएंगे कि हम क्या चाह रहे हैं, हम दो टेबल्स को चाह रहे हैं, एक प्राइस को चाह रहे हैं, दो सेकंड किसको चाह रहे हैं, क्वांटिटी को चाह रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी को हम किस ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, असेंडिंग में, ओके। प्राइस को किस ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, असेंडिंग में, ठीक है, ओके। इसको मैं अप्लाई करता हूं, इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगी, ओके। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट करते हैं हम, तो देखें अब क्वांटिटी एक ऑर्डर में आ गई 3, 5, 6, 6, 6, 9 एक ऑर्डर में आई है। अब 3 के अगेंस्ट अगर हम यहां पे, क्योंकि डबलिंग हुई 6, 6, तो पहले 6, 6 सॉरी हमने तो प्राइस और क्वांटिटी को किया पहले 3, 5, 6। अब 6, 6 को देखें तो पहले क्या आ रहा है हमारे पास, 70,000, फिर आ रहा है 50,000, ओके। और इसी तरह यहां पे हमें एक कंपैरिजन इसका आई थिंक चेंज करना था। जब हम ऐसी कोई क्वेरी अप्लाई करते हैं जिसमें हम दो कॉलम्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक को असेंडिंग करना पड़ता है और एक को डिसेंडिंग करना पड़ता है। ठीक है,
पर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टर, देखते हैं यहाँ से अल्टर काम चलता है नहीं, अदरवाइज हमें इसको ड्रॉप करके लेके आना पड़ेगा, ड्रॉप करके, ड्रॉप इंडेक्स, टेबल का नेम हमारा टीबीएल प्रोडक्ट, साथ में हमने इसको मेंशन कर दिया। इसको मैं अब रन करता हूं, कीवर्ड यूज करेंगे क्रिएट का, ठीक है, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी 60,000, 70,000, 50,000, ओके, बल्कि यहां पे हम एक चीज मिस कर गए, और अच्छा हुआ हम यहां पे मिस किया कर रहे हैं, ताकि आपको ये चीज कभी भी ना भूले। जब हम मेंशन नहीं करते इंडेक्सिंग की क्यूरी अप्लाई करते वक्त कि ये क्लस्टर है या नॉन क्लस्टर है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी इंडेक्सिंग अप्लाई हो रही होती है, नॉन क्लस्टर। तो क्या नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग का इंपैक्ट हम देख पा रहे होते हैं? फिजिकली हम नहीं देख पा रहे होते, वो बैकएंड पे होता है। तो हमें क्या करना होता है, साथ में क्लस्टर मेंशन करना होता है कि ये क्लस्टर इंडेक्सिंग है, ठीक है। और कंपैरिजन में क्वांटिटी का जिसके साथ कंपैरिजन करना हो उसको पहले लिखना है, ठीक है, जिसका करना हो उसको बाद में लिखना है, ठीक है। अब मैं इंडेक्सिंग को अप्लाई हो रही है, हुई हुई है, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट करता हूं, तो क्या आउटपुट आ रही है, अब ये देखें कि क्वांटिटीज को आप देखेंगे ना, तो वो सारी ऑर्डर में है। पहले 3, 5, 6, 6, 9 हमने क्या यहां पे लिखा था, यही तो लिखा था क्वांटिटी को करना असेंडिंग ऑर्डर में, आ गया। उसके बाद प्राइस को हमने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आप प्राइस के टेबल को देखो तो सारा तो रैंडम है, तो ये कैसे असेंडिंग ऑर्डर में है? लेकिन आप ये भी तो देखें, हमने यहां पे कंपैरिजन अप्लाई किया था कि प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में आए विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के साथ मैच करके देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि प्राइस वाकई असेंडिंग ऑर्डर में है, कि 3 क्वांटिटी है उसकी तो वैल्यू 1 थी तो उसने वैसे लिख दी, असेंडिंग डिसेंडिंग का चक्कर ही खत्म। 5 उसकी 1 ही वैल्यू थी उसने वैसे लिख दी, 6, 6 दो वैल्यूज थी। अब देखिए ना, उसको असेंडिंग में किया, पहले 50,000 आ रहा फिर 70,000 आ रहा है, हां 9 में क्या आ रहा, फिर उसमें वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो आपको यहां पे पता चल गया कि क्लस्टर इंडेक्सिंग आप एक टेबल में एक कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन 2 कॉलम्स का आपस में रिलेशन हो। इंडेक्सिंग एक ही अप्लाई होगी, 2 कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं रिलेशन की बेस पे, जैसे जेंडर का नेम के साथ और क्वांटिटी का प्राइस के साथ, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो सूटेबल रिलेशन है उसकी बेस पे आप क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट हमें फिजिकल टेबल पे आ रहा होता है, जिसके बैक पे दूसरा टेबल कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा होता। और मैं चाहूंगा आप इसके साथ थोड़ा सा खेलें, यहाँ पे सेंडिंग और डिसेंडिंग करके, डिसेंडिंग और असेंडिंग करके, असेंडिंग असेंडिंग करके, डिसेंडिंग डिसेंडिंग करके, ताकि आपको इसकी मजीद समझ आए। हाँ, और ये बात याद रखना जरूरी है कि अगर आप नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग है, या फिर आप साथ में नॉन क्लस्टर लिख दें। और अगर आपने क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है तब तो लाजमी है कि आपने क्लस्टर का कीवर्ड मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आज हमने देखा क्लस्टर इंडेक्सिंग और नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग में डिफरेंस क्या होता है, इस कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसका इफेक्ट क्या आता है, किसका इफेक्ट हम देख पाते हैं, किसका इफेक्ट हम नहीं देख पाते हैं। फिर भी आपका जो भी क्वेश्चन हो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट हम मजीद इंडेक्सिंग पे बात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।